Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see drive state in our React application. जी हाँ guys, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना जरूर क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे what is derived state, क्योंकि आपने खाली स्टेट सुना है लाइक वी हैव अ ग्लोबल स्टेट, वी हैव अ लोकल स्टेट, ऐसा स्टेट वैसा स्टेट, लेकिन ये derived state का क्या मतलब होता है एंड इसका इतनी वैल्यू क्यों है। तो आप देख सकते हो कि मैं पीपीटी पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे आप एक चीज देख लीजिए बहुत केयरफुली एंड दैट इज क्या होता है ये ड्राइव स्टेट, ठीक है। तो आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट डेफिनेशन, एग्जांपल एंड पूरा बेनिफिट्स मैंने रखा है, आप इसको रीड कर लीजिएगा यू नो बेफिक्र होके, लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूँ फिर आप रीड कीजिएगा। तो क्या होता है ये ड्राइव स्टेट, ध्यान से देखिए, ये एक ऐसा स्टेट है दैट कैन बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन अदर स्टेट और प्रॉप्स, इट इज नॉट स्टोर्ड डायरेक्टली इन द कंपोनेंट स्टेट बट इट्स कैलकुलेटेड when needed। ये जो अप्रोच है ना helps avoid duplication and keeps the state simpler and more manageable। मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ एंड आई थिंक वो एग्जाम्पल सुनते ही आपको क्लियर हो जाएगा क्या है, इतना सिंपल है ये। लेट्स इमेजिन आप कोई स्टूडेंट्स है क्लास में, उनका आप एक डेटा स्टोर कर रहे हो उस स्टेट में, ठीक है। तो अब हमें क्या काउंट करना है कि उस पर्टिकुलर क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स है, उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स है वो आप कैसे पता लगाओगे। क्या उसको पता लगाने के लिए क्या आप एक और स्टेट वेरिएबल क्रिएट करने वाले हो विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट, सोचिए क्या लगता है आपको, यू नो। ऑलराइट, एक काम करते हैं, इसको मैं एंड में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो चीज है ये क्यों मैंने लिखा है मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ एंड एग्जाम्पल लाइव प्रैक्टिकल अभी मैं कर रहा हूँ, उसके बाद में ये बताता हूँ एंड देन हम बेनिफिट्स पे आते हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा लेट्स क्रिएट उसका एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आइए आप, सबसे पहले वी हैव दिस हुक्स, फिलहाल अभी हुक्स को रहने दीजिए क्योंकि ये हुक के अंदर नहीं आता है, बट यहाँ पे आप एक बनाइए दैट इज योर ड्राइव्ड स्टेट, ठीक है, डॉट जेएसएक्स, ठीक है। ऑलराइट गाइस, इफ यू रिमेंबर जो इससे प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको ये करके बताया था, हमने राइट एक प्रैक्टिस की थी जहाँ पे मैंने ये दिखाया था कि ऑब्जेक्ट बेसिकली एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है तो उसको आप कैसे लूप चला सकते हो, राइट, सिंपल। तो अब उसी पे ही हमारा ड्राइव स्टेट का काम आता है एंड दैट इज कि लेट्स से आई वांट टू नो कि हमारा ये जो यूजर्स है लाइक टोटल कितने यूजर्स है, मुझे उनका काउंट पता लगाना है एंड देन सेकंड थिंग इज कि हमारे जितने भी यूजर्स है बेसिकली वी हैव दिस एज, हर एक यूजर का अपना एज है, तो मेरे ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसमें एक एवरेज एज क्या है मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ एंड मैं कैसे उनकी जो वैल्यू है यहाँ पे मैं अपडेट कर सकता हूँ, राइट। यही इंपॉर्टेंट है आज आपको समझना एंड वन से समझते हो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि ड्राइव स्टेट किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ा है एंड दैट इज कि ये एक ऐसा स्टेट है दैट कैन बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन अदर स्टेट और प्रॉप्स, ये एक ऐसा स्टेट है जो कि किसी और स्टेट या प्रॉप्स के बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात बताओ, ये जो पर्टिकुलर अपने पास यूजर्स है, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड देन ये जो यूजर्स है लेट्स कंसोल इट, राइट, एंड देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड गाइस गर्मी बहुत है, पता नहीं क्या हो गया वापस, है ना। सो कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ओ माई गॉड, एंड या आई थिंक मैंने यहाँ पे ड्राइव स्टेट स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी मैंने, बट या इट्स फाइन, कोई नहीं, मैं ठीक कर दूंगा उसको लेटर ऑन। फाइल का नाम चाहे जो भी हो, आप कंपोनेंट का नाम कुछ और लिख के भी हम पास कर सकते हैं। चलो इससे तो आपको ये पता चल रहा है, स्टेट को फिलहाल मैं हटा रहा हूँ एंड एक काम करता हूँ, जब जिस चीज़ की हमें नीड नहीं है ना उनको हटाना ही बेटर रहेगा, कमेंट करके मज़ा नहीं आता उसको। चलो ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं इस जगह पे। सो आप देखते हो कि हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बट हाँ कंसोल पे हमें क्या मिलता है वो जरूर हम चेक कर सकते हैं एंड दैट इज यूजर काउंट इज नॉट डिफाइंड, नो प्रॉब्लम, बट या परफेक्ट, दिस इज इट। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि उस यूजर्स को अगर मैं कंसोल करता हूं तो मुझे ये तीन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे टोटल इनका काउंट कितना है वो मुझे कैसे पता चलेगा एंड उसको पाने के लिए क्या मैं एक और न्यू स्टेट क्रिएट करूं, लाइक क्या मुझे कुछ एक और कॉन्स्ट, आप क्या कह सकते हो लाइक काउंट, सेट काउंट, क्या मुझे ये क्रिएट करना पड़ेगा या नहीं गाइस, आप बताओ। ऑब्वियसली इसके हमें नीड नहीं है ना, हम क्या कर सकते हैं, लेट्स क्रिएट वन कॉन्स्ट, लेट्स से काउंट, यूजर काउंट, राइट, इस तरीके से यूजर काउंट विल बी इक्वल टू, देखो ना ऑलरेडी ये एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है बट जो भी हो एरे तो है, एरे में हम लेंथ मेथड यूज कर सकते हैं, एरे डॉट लेंथ। तो ये है ना कितना ज्यादा सिंपल कि सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट कर दी एंड मेरे पास ऑलरेडी स्टेट था, स्टेट डॉट लेंथ, बेसिकली यूजर्स डॉट लेंथ। तो जो भी वैल्यू आएगी वो तो मैं अब यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, ना मुझे इसको कुछ करना है, अपडेट करना है, ना कुछ करना है। तो जब भी कोई एक ऐसा वेरिएबल आप क्रिएट करते हो जिसकी वैल्यू टोटली डिपेंड होता है ऑन स्टेट और अब प्रॉप्स जो आप पास कर रहे हो उसके बेस पे, तो वो जो पर्टिकुलर वेरिएबल है ना उसको अब हम ड्राइव स्टेट बोलते हैं, सिंपल। तो ये जो यूजर काउंट है ये है आपका ड्राइव स्टेट एंड दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर एंड दैट इज कॉन्स्ट यूजर काउंट डॉट यूजर्स डॉट लेंथ। स्टेट की मदद से अगर आप कोई वैल्यू कंप्यूट कर रहे हो या गेट कर रहे हो सिंपल, तो वो जो वेरिएबल है ना उसको पावर मिल जाता है, उसको एक नाम मिल जाता है एंड दैट इज योर ड्राइव स्टेट, सिंपल, राइट। एंड उसी तरीके से अब आपको एवरेज फाइंड आउट करना है किसका, टोटल एज का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे गाइस, सिंपल है वो भी, राइट। सिंपल बोलने से अगर आपको रिड्यूस मेथड आता है तो, हालांकि करने के तो और भी तरीके होंगे। कॉन्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, एंड हाँ एक चीज मुझे ये देखना है कि यहाँ पे वैल्यू मुझे मिल नहीं रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन था मैं आपको बताता हूँ। उसके पीछे का रीजन ये था, अगर मैं इस एवरेज को हटा देता तो यूजर्स की लिस्ट, ये मुझे ये पांचों तीनों उनका डेटा एंड टोटल यूजर इस 3 मुझे इस तरीके से आ जाता है। क्लास नेम में मेन हाइफन डिप कर देता, राइट। अगर इतना मैं कह, या परफेक्ट, एटलीस्ट ये सेंटर में तो आ गया, थोड़ा सा जूम कर देता आप लोगों के लिए, है ना, कुछ इस तरीके से, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे एवरेज एज चाहिए, ठीक है, आई नीड एन एवरेज एज। तो इसको मैं रखता हूँ विल बी इक्वल टू, देखो यूजर्स मेरा एक एरे है, यूजर्स डॉट में अगर रिड्यूस मेथड यूज करता हूँ इसमें बहुत इजीली मैं टैकल कर सकता हूँ। देखो सबसे पहले तो वी हैव दिस एक्यूमुलेटर एंड दूसरा आपका करंट एलिमेंट होता है। यहाँ पे करना कुछ नहीं, आपको ये जो एक्यूमुलेटर को करंट एलिमेंट से प्लस कर देना होता है एंड आपको एक एक्यूमुलेटर का इनिशियल वैल्यू देना बहुत ज़्यादा जरूरी, दैट इज 0। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा एंड दैट इज ये रिड्यूस मेथड एकदम पूछा जाता है रिएक्ट, आई मीन रिएक्ट में नहीं, आपके ये जावास्क्रिप्ट में एंड रिएक्ट में भी रिड्यूस मेथड आपका काम आ ही रहा है। देखा ना मैं रिड्यूस मेथड काम में ले रहा हूँ। तो अब मैप मेथड, फॉर ईच, फिल्टर, फाइंड, ये जो रिड्यूस मेथड है ये सब एरे के अंदर आते हैं। प्लीज ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट वीडियो इसी पे ही मैंने पूरा ये एक्सप्लेन किया, पूरा एकदम ऑसम एनिमेशन के साथ। तो कृपया करके प्लीज इस वीडियो को देखिएगा एंड दोस्तों को भी भर भर के शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाया एंड मुझे नहीं लगता इससे बेटर जावास्क्रिप्ट आपको कहीं मिलने वाला। आप एक बार ट्राई तो कीजिए देखने की, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के लिए आपको वो देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर मैं इतना भी कर देता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट आ रहा है जरा देखे तो, देखो मुझे 0 आ रहा है एवरेज इज एंड देन ऑब्जेक्ट 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 कुछ इस तरीके से आ रहा है। एवरेज इज नॉट डिफाइंड, वो तो अब नहीं आएगा एटलीस्ट, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको अब मैं बहुत इजीली टैकल पता कैसे कर सकता हूँ, इसको कंप्लीटली एक जगह पे लेके डिवाइडेड बाय आपका ये जो यूजर काउंट है, बेसिकली ऑब्वियसली एवरेज ऐसे तो निकलेगा और कैसे निकलेगा एवरेज काउंट, राइट। एंड हाँ एक और चीज, सॉरी एक और चीज, पता क्यों ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रही थी, मुझे किसको प्लस करना था, मुझे एज को प्लस करना था एंड देन उसका एवरेज निकालना था। तो करंट एलिमेंट तो मेरा ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है ना, तो करंट एलिमेंट डॉट वी हैव दिस एज। तो एक्यूमुलेटर विल बी 0 प्लस फर्स्ट टाइम इसको ऐड कर देगा, फिर सेकंड टाइम इसको, फिर थर्ड टाइम इसको एंड देन जितना भी टोटल हुआ होगा अपने को मतलब नहीं है, उसको वो डिवाइड कर देगा यूजर काउंट से जो कि एटलीस्ट हमारी 3 है। तो 25, 35, 30 देखा जाए तो आई थिंक 30 आना चाहिए, यू नो, अब रूल तो यही बोलता है, बट देखते क्या आउटपुट है। एंड एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा। ओ माय गॉड, सी टोटल यूजर इज 3 एंड एवरेज एज इज 30। तो ये था ना कितना ज़्यादा ऑसम कि आपने बेसिकली एक इंटरव्यू क्वेश्चन, ये भी आप कह सकते हो, कल का भी इंटरव्यू हो गया, आज का भी इंटरव्यू हो गया, जहाँ पे पहली बात तो ये ड्राइव स्टेट क्या है आपको पता चल गया। सेकेंड बात, कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है इस तरीके से, यू नो, वो भी यूज स्टेट के अंदर, तो आप उसका टोटल काउंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो एंड देन उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसको आप ऐड करके उसका एवरेज निकालना। ये भी तो एक, भाई ये भी एटलीस्ट बिगिनर के लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, तो वो भी आज हमने करके देख लिया। तो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सो हमारे केस में यूजर काउंट एंड देन यूजर, आई मीन एवरेज एज, ये दोनों की जो वैल्यूज थी वो टोटली डिपेंडेंट है ऑन आवर स्टेट वेरिएबल। कोई एक ऐसा वेरिएबल जो शायद प्रॉप्स के ऊपर भी डिपेंड हो, तो वो दोनों केस में जो वेरिएबल्स हम क्रिएट कर रहे हैं वो आपके कहलाते हैं ड्राइव्ड स्टेट, सिंपल। राइट, आपके मन में आ रहा होगा चलो मैं एक और क्रिएट कर कॉन्स्ट नेम इक्वल टू विनोद। ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, हम इसको ड्राइव नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हम खुद से एक वैल्यू पास कर रहे हैं, ना इसमें कोई स्टेट वाला कुछ है ना इसमें प्रॉप्स का कुछ लेना देना है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है। बट दिस टू आर लाइक टोटली बेस्ड ऑन आवर एक्चुअल स्टेट वेरिएबल, ठीक है, उसके बेस पे हम वैल्यू को कंप्यूट करके इनको असाइन कर रहे हैं। सो ये है आपके ड्राइव्ड स्टेट। एंड मैं अब वापस से पीपीटी में लेके चलता हूँ, तो अब मुझे बोलने की नीड नहीं है कि मैंने ये क्यों लिखा एज एन एग्जाम्पल, आपको पता चल गया राइट। वहीं पे बेनिफिट्स, अवॉइड रिडंडेंसी बाय ड्राइविंग वैल्यूज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट यू अवॉइड स्टोरिंग रिडंडेंट डेटा। ऑब्वियसली आप लाइक एक और नया स्टेट बनाने से बेटर तो एक नॉर्मल वेरिएबल बना दी डाल दी। कंसिस्टेंसी ये भी इंपॉर्टेंट है, एंश्योर दैट द ड्राइव वैल्यूज आर ऑलवेज इन सिंक विद द अंडरलाइंग स्टेट। ऑब्वियसली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आप देखो ना स्टेट के ऊपर ये डिपेंडेंट है। कल के दिन लेट्स इमेजिन मैंने एक और कॉपी की पेस्ट कर दी, चार्ली नहीं चार्ली एंजल्स करके मूवी थी, पता नहीं वो नाम याद आ गया बट जो भी हो, इसमें मैंने इसको लेट से 40 कर दिया। अब कंसिस्टेंसी राइट, दैट इज कि अब अगर मैं यहाँ पे चलूंगा तो पहले 3 था वो 4 हो गया एंड एवरेज अब ये चेंज हो गई, तो मतलब कंसिस्टेंसी वो मेंटेन रख रहा है कि ऑलवेज वो सिंक में रहेगा। सिंप्लिसिटी, रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्टेट मैनेजमेंट बाय मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ स्टेट। ऑब्वियसली जितना कम स्टेट वेरिएबल उतना मैनेज करने में इजी हो एंड सिंपल होगा। सो या गाइस ये था आपका ड्राइव स्टेट एंड आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भर भर के शेयर, ये जो सीरीज इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप ही के लिए ही बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।